नमस्कार, मैं कुमार विकास। गुप्तगु के सेशन में आज आपसे रूबरू कराते हैं भारत के एक बड़े अवधे और बड़े क्षेत्र में हाथ पाए रखने वाले न्यू कमर इंजीनियर मिस्टर शिवकांत तिवारी, जो हमारे सीनियर भी हैं और इसी साल अभी अभी जस्ट डायल कंपनी, जो भारत की एक मेन रेप्यूटेड कंपनी है, उसमें ये जॉब कर रहे हैं। नमस्कार शिवकांत जी। नमस्कार सर। ये बताइए कि आपने बी टी इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच से किया है, तो आपको जनडायल कंपनी में सिलेक्शन हुआ, जो कि भारत की रेप्यूटेड लोकल सचिवियन है, तो ये सफर आपका कैसा रहा, उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि इंडिया में 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, और उन 10 लाखों में मैं हूँ, आप आने वाले 10 लाखों में नाम हो सकता है आपका, है। और आपने एक बात कही 1.5 लाख 2 लाख जितना भी है, सर्वे के अनुसार वो जो निकल गया था, तो 1.5 लाख मैं सब कुछ आप इसमें चलिए 20,000 बढ़ा देता हूँ, 1.5 लाख बच्चे हर साल जॉब लेते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो शेष बचे जो 8.5 लाख लोग हैं, वो क्यों नहीं लेते, इसका मैं फैक्टर बता रहा हूँ। वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ, वो अपनी फील्ड को छोड़ना नहीं चाहते, पर अपने आप को आग भी नहीं पाते कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं, कहीं और जाके अपना करियर बना सकता हूँ। हमारे बीच एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे, जो नहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति थे, अगर वो चाहे वो तो पायलट बनना चाहते थे, अगर वो चाहते कि मैं पायलट बनूं, तो फिर वो पायलट बनने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ किया, नहीं बन पाए पायलट, नहीं बने वो मान्यता था, पर उन्होंने पायलट जिसमें पायलट बैठता वो चीज़ें बनाई। अपनी उन्होंने अपने जो तरीका था, सोच वही थी, उस तरीके का जो राह थी उस तक पहुँचने की, वो मोड़ के दूसरा तरीका ले लिया। अच्छा, तो आपके इंटरव्यू में आपके साथ काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से, फिर आपको भी उन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया, आपके क्या खास दिखा? 250 स्टूडेंट इस कंपनी के लिए बैठे थे, जिनमें से 52 MBA स्टूडेंट्स थे, जो बेसिकली नॉन टेक्निकल के लिए पोस्ट थी, जस्ट लाइन एम्बेसडर की, तो उसी के लिए आए थे। और हम लोग बाकी जो बताइए, अब आप 52 बैठे थे, सपोज 200 माय बैट 200 करीब बीटेक स्टूडेंट, कुछ और बीसीए स्टूडेंट, एमसीए स्टूडेंट, ये सारे बैठे थे। तो हम लोगों के राउंड्स हुए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड में हम लोग, फाइनल जो राउंड हुआ वो हम लोगों का, उनकी जो जस्ट डायल का ब्रांच है, ऑफिस है, एट प्लेसेस में है, एक आपका जो इनका हेडक्वार्टर हमारा महाराष्ट्र में, तो इसी तरह का एक जयपुर में, हम लोग जयपुर गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे, उनका मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपसे, तो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आपका नाम बताता हूँ, तो कहा कि यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट, सिंपली को यू आर अ टेक, जैसा आपने मुझसे कहा यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट, सो वाई, वाई एक अपने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, सो वाई, ये तो आपके 4 साल को चैलेंज करेगा, सो वाई, तो आपने क्या बताया? तो मैंने सिंपली एक बात कही थी कि टेक्निकल जो स्टूडेंट होगा, क्या आप उसको आप उसकी टेक्निकलिटी को देख के लेंगे या उसकी इंटेलिजेंसी को देख के लेंगे? मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने इंटेलिजेंसी को देखी, मैं कहा आप पूरी करने के लिए आपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसके सवाल देता हूँ आपके अंदर। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था कि आपको, चलो आपको एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, सिंपली आप बताइए आपने अभी तक मार्केटिंग सर्विस के बारे में क्या जाना? मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा, मैं बता दूँ। मैंने कहा सर आप आए, आपने हमको एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कंपनी के बारे में, या आपकी मार्केटिंग हो गई, और उस मार्केटिंग की वजह से जो बच्चों ने या वहाँ पर उपस्थित फैकल्टीज, जो जो चीज़ें स्टूडेंट थे, हम लोग थे, जिन्होंने जो चीज़ देख करके जो कुछ पहले से डाउनलोड किए थे, जिन्होंने वो आपका जो एक MBA का जो ऐप था जस्ट डायल वो डाउनलोड किया, या आपकी सेल्स हो गई, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग इनसाइट्स। तो उन्होंने एक बात कही थी, अच्छा अब मैं सर मार्केटिंग इनसाइट्स ये नहीं चाहते, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या मार्केटिंग सेल्स, मैं कहा कस्टमर्स के बिना कुछ नहीं, अब क्या करोगे मेरा कस्टमर के, कस्टमर से डिपेंडेंसी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो मैं कस्टमर के लिए क्या कैसे, हाउ टू इम्प्रेस योर कस्टमर, तो मैंने मेरा ये सिंपल सा मैंने क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को उन्हीं के क्वेश्चन को उन्हीं के अनुसार जवाब दिया, कोशिश की
सर सिलाई करने की, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया था, फिर तो मैंने उसको कहा कि सर सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं एक मोबाइल कंपनी में बनाने वाला हूँ, ये मोबाइल मेरा प्रोडक्ट है। अब वो सामने वाला बंदा है, उसमें इस प्रोडक्ट में जो खासियत है उसको नहीं पता है, और उसने अपनी नीड बताई, सबसे प्रथम कस्टमर की नीड क्या है ये जानना, और जो उसकी नीड थी उसके हिसाब से मैंने उसके लिए, और अपने प्रोडक्ट को मेरे प्रोडक्ट में वो है या नहीं है ये सिर्फ मुझे पता है, उसको नहीं पता है। तो मैंने उसकी जो सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसकी नीड थी वो सारे मैंने अपने प्रोडक्ट में पूरी कर दी। तो उसके पास जाने के लिए मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसको मेरा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मेरा बेसिक कि आप क्या चाहते हो ये नहीं है, कस्टमर क्या चाहता है ये जरूरी है। और एक जो क्वेश्चन उन्होंने किया था मैं आपको बताता हूँ, वाई यू सेलेक्ट सर। यहाँ मैं आपको बोल जाऊँगा कि भाई कि कस्टमर नीड की आप बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है तमाम मोबाइल कंपनियाँ हैं या मोबाइल के एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोबाइल के साथ में ये दिक्कत और भाई कुछ चाइना के सेट आते हैं जो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो तो सबसे कम लोअर कॉस्ट में लोगों की नीड फुलफिल कर रहे थे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी पर सबसे प्रॉब्लम हो रही थी, किसी बच्चे के हाथ में ब्लास्ट हो गया, किसी कस्टमर के हाथ में ब्लास्ट हो गया, उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। तो हमेशा कस्टमर की ये नीड होती है कम पैसे में ज़्यादा पड़ती, जो एक मीडियम कैटेगरी है या लोअर कैटेगरी है वो ये चाहती है सारी फैसिलिटी मुझे कम पैसे में मिले। तो फिर आपका क्या मानना है कि मतलब सारी सारी लोगों की नीड को भी पूरा कर दिया जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी सेफ्टी को ना देखा जाए? आपको आपने कहा था उनकी नीड में ये नहीं होता कि हमारा मोबाइल सेफ्टी में, आप ये कहना चाह रहे हैं या उनकी नीड में ये नहीं होता कि हमारा मोबाइल सेफ्टी है, उनकी मोबाइल खरीदते समय उनकी ये नीड नहीं होती, या कोई कंपनी ये नहीं बताती है मेरी बैटरी तक जाएगी 10 साल में या जितना कंपनी को ये तकती हो, ये तो आपको पता है ब्लास्ट हो जाते हैं। ये तो एक वो सेटिस्फैक्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया नहीं आ सकती है, ये तो फिक्सर भी ऐसा चीज़ें हो ही सकती हैं, नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन ये चीज़ तो मैं भी नहीं ये कह सकता कि आप ये चीज़ें होगी। हाँ ये क्योंकि जैसे अब सैमसंग का जो हुआ, हाँ सैमसंग एक इतनी बड़ी रेपुटेटेड और ब्रांडेड कंपनी है, उसके साथ भी हो गया था। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं टेक्निकल वाले पॉइंट है, और मैं टेक्निकल से हूँ, तो इन सब चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों का एक ग्रुप सॉल्यूशन के लिए बैठा होता है, वो पूरा सॉल्यूट करता है, फिर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में देखता है। हाँ तो ये बात सही है इस हद तक कि हाँ अगर लोगों के सेटिस्फेक्शन नीड उसके बाद कंपनी की रिप्यूशन दोनों को मेंटेन करके चली जाएगी तब ही चल पाएंगे। और आपको इससे को छोड़ के बीटेक मैकेनिकल को छोड़ के इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच को छोड़ के क्या आपको कुछ ऐसा लगता है हमने कुछ खो दिया या कुछ ज़्यादा पा लिया? मैंने जो ये जॉब पाई है बिल्कुल मेरे जो मेरा जो बैकअप है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बिल्कुल उसी के पाई है, क्योंकि जो मार्केटिंग सर्च की जा रहा है फील्ड की जॉब है आपको भी पता है सर, नामी मार्केट है तो मार्केट का मतलब ही ओपन होता है, सेल का मतलब बेचना है तो जाना है, अब हम क्या बेचते हैं वो डिपेंडेंस है। तो हम जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं हार्ड वर्क हम लोग सीखते हैं मैकेनिकल में, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है इंजीनियरिंग, दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए समझ में ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी फॉर्म जानना चाहते हैं लोगों की इनकम नहीं पूछी जाती है लोगों से, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि इस समय इंडिया की मेन प्रॉब्लम यही है कि कुछ कंपनियाँ ऐसे भी इंटरेस्ट करती हैं बाहर इंडिया के इंजीनियरों को कि वो ले जाती हैं, उसके बाद दो महीने में उनको बाहर कर देती हैं, कोई वो करवा के टेस्ट करवा के, या फिर उनका सैलरी पैकेज ऐसा होता है कि लड़का 4 साल बीटेक करने के बाद 10,000 की सैलरी पैकेज पे भी लोग जॉब करते हैं। तो आपका पे स्केल क्या है? मेरा पे स्केल सर ये जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जैसा आपने मैं बताना चाहूँगा कि 3 इडियट मूवी का तो मैं जोड़ ही देख रहा हूँ, आपने क्वेश्चन वही कर दिया कि यहाँ रेंचो को नहीं बनना चाहता सब चतुर्थ की तरह पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी आपने तो बिल्कुल आपको देखी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग की फिल्म नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे। तो वही चीज़ है कि जो मेरी पे स्केल है स्टार्टिंग में एक फ्रेशर को ट्रेनिंग वो 25 दे रहे हैं बस ए के साथ 31,000 रुपये मेरे को दे रहे हैं। अच्छा फ्रेशर हाँ इतना है तो अपने आप में रिक्रूटेड है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात हो रही है बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड 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 बड़ी जो रेपुटेड कंपनियाँ होती है कभी भी बॉन्ड नहीं बनवाती, और मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा बॉन्ड उन्होंने नहीं दिया, आप उसके लिए बात नहीं बिल्कुल नहीं दिया बॉन्ड के लिए बात। हाँ अगर मेरे को नहीं लगता है मैं कम इसमें आगे दे रही मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अभी बहुत टाइम है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर बॉन्ड नहीं है तो सही आपका।